नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल उत्तरापद क्लासेस में। आज का विषय एनसीईआरटी फिफ्थ क्लास, जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानकर पढ़ा रहा हूँ। अभी जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम आप लोग बार बार वीडियो देखकर रिवीजन कर सकें। चलिए देखते हैं। जानवरों में देखने, सूंघने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। अगर जानवर कोई जानवर मील दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है, उन जानवरों की भी अजब दुनिया है। यानी कि जानवरों को सूंघने और देखने सुनने की शक्ति ज्यादा होती, कहना चाहते हैं। बहुत साल पहले विज्ञान ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। यानी कि वो चींटियां अपने खुशबू छोड़ती हैं, जो आने वाली पीछे आने वाली चींटियों को भी रास्ता मिल जाए। मकर, तुम्हारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। मैं रेशम का कीड़ा हूँ, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। यानी कि मादा रेशम का कीड़ा को गंध कई किलोमीटर से दूर से सूंघने की क्षमता होती है। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। ये एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके से बाहर का कुत्ता आया था। आज रजनी को जरूर काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात यह है कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी, यानी कहना चाहता है पोटी एक लैटिन भाषा का शब्द है, अपनी पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। पेडागोजिक देखते हैं। सुशीला के उदाहरण से आम परिवार में होने वाली एक स्थिति को दर्शाया गया। चर्चा करके बच्चों की ये समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंध मानता है। अगर हम मन बना लें तो वह गंध उतना परेशान नहीं करती। यानी मन के आधार पर ही गंध को माना जाता है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? ज्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमा कर ही आसपास देखते हैं। यानी कि कहना चाहता है कि पक्षियों की आंखें पुतली इधर उधर नहीं घूमती है, उन्हें गर्दन घुमानी पड़ती है। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को ये समझने में आसानी होगी। एक आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को ये अनुभव कराएं कि दोनों आंखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार सीटेट में पूछा जाता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीजें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ता है वही चीजें पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी जो किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी? यानी कि कहना चाहता चील, बाज और गिद्ध
को देखने की क्षमता और शक्ति बहुत दूर से होती, कई किलोमीटर से भी वह देख सकता है। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। यानी कि जानवर सफेद और काली रात में कोई भी वस्तु दिखती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते। यानी कि उसके बाहरी कान नहीं होते, सांप के जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। यानी कि सांप कंपन के द्वारा ही सुन पाता है, उसके कान नहीं होते। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। यानी कि पक्षियों की अपनी अपनी आवाजें, अपनी अपनी भाषा होती हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे जड़कर जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरे तरह की आवाज़। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। नोट करने वाला पॉइंट, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला या कुछ अनहोनी होने वाली है। यानी जानवर भूकंप को पहले से ही जान लेते हैं। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गया। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हुई एक दूसरे की बात करती हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। क्या तुमने बता सकते हो तुम लोग की ठंड में छिपकली क्यों गायब हो जाती है? क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो ऐसा क्यों होता है। पाठ में कुछ जानवरों के उदाहरण दिए गए जिनमें उनकी संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है, पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने व टीवी का उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करें। स्थल के बारे में, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों में उल्टे से लटककर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष ये अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। पूरा ये पॉइंट नोट करने लायक है, ये सीटेड में बार बार पूछा गया। बाघ के बारे में, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। नोट करना, बाघ की मूछें हवा में हुई कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति पता चल जाती आ जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ दे जाते हैं और ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना या नहीं ये तो उस बाघ की मर्जी है।
बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़, और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। क्या तुम जानते हो हाथी और उसके दांतों, गैंडों, सिंह, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता। कस्तूरी रेणु को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इस जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। आज का चैप्टर समाप्त हुआ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले क्लास को आप लोग देख सकें।